आओ सुनाऊं महाभारत की एक कहानी। सुनो कहानी प्रेरणा की जुबानी। नमस्कार आदाब केम छो हाय हेलो कसकाय सच्चिकाल एंड कॉपी टू ऑल। क्या आपको भी लगता है कि महाभारत सिर्फ वो 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध है या उससे कुछ ज़्यादा? क्या महाभारत आज भी कोई हमारे जीवन में योगदान कर सकता है? अगर आपकी सोच ऐसी है तो मेरी आप सब से ये सोच थोड़ी विभिन्न है। कैसे? आइए सुनते हैं कहानी। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक बारी पांचों पांडव कान्हा जी के साथ में जंगल से जा रहे थे। जंगल से जाते जाते जब वो सारे थक गए तो उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा देख करके उन्होंने विचार किया कि चलो सारे मिलकर यहाँ पे विश्राम करते हैं। परंतु क्योंकि वो एक जंगल के बीच थे तो उन्होंने सोचा सुरक्षा के लिए एक जना बाहर खड़ा होकर पहरा देगा। सबसे छोटे सहदेव हैं तो इसलिए सहदेव ने कहा सबसे पहले पहरा मैं दूंगा। जब वो पहरा देने लगे तो समय निर्धारित करा गया 2 घंटे का। 2 घंटे के उस समय के खत्म होने से पहले सहदेव के सामने एक विडंबना आई। विडंबना क्या थी? एक छोटा सा बौना। क्या किया उस बौने ने? 6 फुट से ऊंचे लंबे सहदेव को युद्ध के लिए ललकारा। जी हाँ, जैसे आप सुन के हैरान हुए हैं ऐसे ही सहदेव भी सुन के हैरान हो गया। सहदेव ने कहा, ये 1.5 फुट का बौना मुझसे युद्ध करना चाहता है, चलो पूरी कर देते हैं इसकी ये इच्छा। इसी सोच के साथ में वो 1.5 फुट के बौने के साथ में युद्ध करने लगे। और ये क्या हुआ? युद्ध करते हुए बौने का कद तो ऊंचा लंबा होने लगा और वो विशाल काय आकार में आ गया। अंत क्या था? सहदेव को उस बौने ने वहां पे पड़ी हुई टहनिया और उन सब के साथ में बांध करके जमीन पर लिटा दिया। कुछ देर बाद नकुल उठे, इधर उधर सहदेव को ढूंढने लगे। जब उन्हें सहदेव दिखाई नहीं दे रहे तो उन्होंने आवाज दी और सहदेव ने कहा, मैं यहां हूं। नकुल देखकर हैरान हुए, उन्होंने कहा, सहदेव ये क्या? सहदेव ने कहा, मैं थक गया था, अपने शरीर को थोड़ी सी ताकत देने के लिए अपने आप को ऐसे लपेट करके लेट गया। कोई बात नहीं, कह करके नकुल ने सहदेव को खोला और कहा, तुम जाओ अंदर और विश्राम करो। कह करके वो पहरा देने लगे। जैसे ही 2 घंटे का समय निकट आया, जो सहदेव के साथ में हुआ वही विडंबना नकुल के साथ में हुई। युद्ध हुआ और युद्ध का अंत वही था। ये ना सिर्फ नकुल बल्कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर बाकियों के साथ भी हुआ। अब युधिष्ठिर तो ठहरे सत्यवादी, उन्होंने तो वचन लिया था कि मैं तो हमेशा सच बोलूंगा। जब कान्हा जी आए, युधिष्ठिर को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर ये क्या? युधिष्ठिर ने कहा, कान्हा मेरे साथ में बौने ने ऐसे किया, और कह करके सारी कहानी सुना दी। कान्हा ने युधिष्ठिर को खोला और कहा, जाओ अंदर विश्राम करो, मैं देख लूंगा। इसी के साथ में बांसुरी बजाते हुए पहरा देते हुए कान्हा जी घूमने लगे। तभी वही हुआ जो बाकियों के साथ में हुआ था। बौना आया और उसने इशारा किया कान्हा को। कान्हा ने कहा, मुझसे कुछ कह रहे हो? बौने ने कहा, हाँ। बोलो, उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए? बौने ने कहा, वही जो तुम्हारे 5 दोस्तों के साथ किया मैंने, युद्ध। कान्हा मुस्कुराए, अच्छा तुम मुझसे युद्ध करने चाहते हो, चलो फिर। और इसी के साथ में वो दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वही हुआ जो बाकी 5 पांडवों के साथ में हुआ। नहीं 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 नहीं, कान्हा जी को उसने पकड़कर लपेटा नहीं, बल्कि उससे पहले ही जब बौने का आकार विशालकाय भीमकाय रूप लेने लगा, कान्हा जी समझ गए। उन्होंने तुरंत सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और बैठ गए।
उन्होंने बोने को कहा, कर लो जो करना है, मार लो मुझे जितना मारना है, कर लो युद्ध, पर मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं अपने अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, मुझे नहीं करना तुमसे कोई युद्ध। वो ये कहते गए और बोने का आकार, जी हाँ, छोटा होने लगा। वो इतना छोटा हो गया कि काना ने उसको उठाया और अपनी पिताम्बरी में बांधा और बैठ करके बांसुरी बजाने लगे। थोड़ी देर बाद में पांचों पांडव उठे, उन्होंने इधर देखा उधर देखा, वो भयभीत थे कि कहीं काना के साथ में भी वही तो नहीं हुआ जो इनके साथ हुआ है। पर काना जी तो मस्त अपनी बांसुरी बजा रहे थे। काना के पास में गए, उनसे पूछा, तुम्हें नहीं मिलने आया बौना? काना ने कहा, आया था, तो फिर क्या किया तुमने, कहाँ है वो? वो इधर उधर देखने लगे। काना ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, बौना तो मेरी पिताम्बरी में है। वो हैरान, पिताम्बरी में इतना छोटा? तभी युधिष्ठिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, समझ गया मैं काना, यही लीला दिखाना चाहते थे ना आप हमें। काना ने कहा, अच्छा क्या समझे तुम युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने कहा, ये जो बौना है, ये हमारे जीवन का अहंकार, हमारे जीवन का क्रोध, हमारे जीवन की सारी नीची भाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सबको दर्शाता है ना काना? काना ने कहा, बिल्कुल सही, हमारे जीवन में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं ना वैसे लोग होते हैं, ना उस तरह की कोई हमारे तरह स्थिति होती है, बल्कि हमें अपनी सोच को, हमें अपने आप को स्थिति के हिसाब से बदलना होता है। ये बौना वाकई में हमारी सारी निचली सोच दर्शाता है, ईर्ष्या द्वेष। जब तक मैं क्रोध में था, अहंकार में था, ये बौने का रूप विशालकाय, भीमकाय और बड़ा हो रहा था, पर जैसे ही मैंने इसको प्रभु इच्छा समझ के अपने आप को प्रभु के नाम से जोड़ के प्रभु की लीला में लीन हो गया, इसका आकार विलुप्त होने जितना हो गया। इसी तरह से अगर हम अपनी हर सिचुएशन, हर चैलेंज के साथ में हर समय लड़ते रहेंगे, ये प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया, हे भगवान तू ही क्यों हर समय मेरी परीक्षा लेता रहता है, इस सोच के साथ में जिएंगे तो हमारे को हर समय मुसीबत ही मिलेगी। परंतु अगर हम इसको एक परीक्षा, एक चैलेंज ना समझ करके, प्रभु का एक जरिया हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए ये सोच करके चलेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। बदली कोई सोच? लगता है आपको ऐसा? करके देखिएगा जरूर, और ये सिर्फ तभी होगा जब यू विल इश्क योरसेल्फ।